मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी द्वारा प्रदेश के पटवारियों को 100% रिश्वतखोर वाले बयान के विरोध में पटवारी अपने मान सम्मान व स्वाभिमान की रक्षा के लिए जिला स्तर पर जिला अध्यक्ष कांतिलाल पाटीदार के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपकर 3 दिवस का अर्जित अवकाश लिया। उसके बाद भी जीतू पटवारी द्वारा सार्वजनिक मंच से माफ़ी नहीं मांगी गई। इंदौर में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा पटवारियों और राजस्व निरीक्षकों नामांतरण और बंटवारा में पैसे लेने के बयान से पटवारियों में काफ़ी रोष है, जिसके विरोध में तहसील के समस्त पटवारियों द्वारा आज अपना संपूर्ण अभिलेख तहसील कार्यालय में जमा कर अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल पर चले। मेरा नाम हारून खान, टिकरी तहसील का रहने वाला हूँ। हाँ, टिकरी में रहने वाले हो? टिकरी में रहने वाला हूँ। ठीक है, किस लिए आए थे तहसील में आप? मैं मेरे माता पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आया था। हाँ, तो सभी पटवारी हड़ताल पर है। आपको पहले से पता नहीं था कि पटवारी हड़ताल पे हैं? नहीं, मुझे ऐसा कोई पता नहीं था। वो मृत्यु प्रमाण पत्र की वजह से मेरे सारे काम रुक गए। ठीक। मध्य प्रदेश शासन के मंत्री श्री जीतू पटवारी जी द्वारा जी पटवारी के संबंध में राव के रंगवासा में एक सार्वजनिक मंच से टिप्पणी की थी जी कि मध्य प्रदेश के सभी पटवारी 100% रिश्वतखोर है जी। इस संबंध में उनसे माफ़ी मांगने के लिए 3 दिन का समय दिया था और 3 दिन के लिए सामूहिक अवकाश पर सभी पटवारी गए थे जी। तत्पश्चात आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सब पूरे MP के पटवारी चले गए जी और हमने अपना रिकॉर्ड तहसीलदार महोदय को सौंप दिया है जी और हमारी उचित मांगों का निराकरण होने के उपरांत कार्य पर वापस। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।